हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम इन टुडे सेशन। टुडे वी विल लर्न फाइव इंपॉर्टेंट वोकैब्स विद द वेरी इजी ट्रिक। तो आइए देखते हैं आज ये इंपॉर्टेंट 5 to 6 वोकैब्स। तो फर्स्ट इज एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मीन्स होता है चतुर। ASTUTE एस्ट्यूट मीन्स होता है चतुर। तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे हम। एस्ट्यूट, एसे ट्यूट, यानी ऐसे ट्यूटर बहुत ही चतुर होते हैं। ठीक है, एस्ट्यूट को हमने क्वाइन किया ऐसे ट्यूटर से। ऐसे ट्यूटर बहुत ही चतुर होते हैं, यानी कुछ ऐसे ट्यूटर होते हैं जो कि बहुत ही चालाकी से पढ़ाते हैं, बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ा देते हैं बच्चों को। तो वही बात है, यहाँ पे ऐसे ट्यूटर बहुत ही एस्ट्यूट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एसेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एसेंट। एसेंट मीन्स होता है स्वीकृति। ट्रिक के माध्यम से इसे देखेंगे। ऐसा सेंट लगाने से उसको स्वीकृति मिल गई, यानी एसेंट को हमने क्या किया, ऐसा सेंट कर दिया। ठीक है, ऐसा सेंट यानी कोई एक ऐसा बढ़िया सेंट था जिसको लगा के वो व्यक्ति इंटरव्यू देने गया, तो उसको जो इंटरव्यू पैनल है उसको स्वीकृत दे दी कि नहीं बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है। तो यहाँ पे ऐसा सेंट लगाने से उसको स्वीकृत मिल गई, तो यहाँ पे स्वीकृत इसकी मीनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है एसेंडेंसी। एसेंडेंसी, एसेंडेंसी मीन्स होता है प्रभुत्व, प्रभुत्व यानी डोमिनेंस। तो एसेंडेंसी को हमने क्या क्लू बनाया, ऐसी डांसिंग। ऐसी डांसिंग दिखाकर उसने प्रभुत्व कायम कर लिया। भाई फतेहपुर महोत्सव में किसी कैंडिडेट ने ऐसी डांसिंग दिखाई कि उसने प्रभुत्व कायम कर लिया डांस के क्षेत्र में। तो इसलिए इसको हमने एसेंडेंसी को ऐसी डांसिंग से कनेक्ट किया और ऐसी डांसिंग से हमने प्रभुत्व को कनेक्ट किया। तो ऐसी डांसिंग दिखाकर उसने प्रभुत्व कायम कर लिया। नेक्स्ट है आर्टिफाइस। आर्टिफाइस मीन्स होता है होक्स, क्लेवर या चालाक। तो आर्टिफाइस को हमने क्या किया, देखो यहाँ पे आर्टिफाइस को हम अगर पढ़े आरती फिश, आरती और फिश। तो आरती फिश बनाने में चालाक है। कोई लड़की है आरती जिसे फिश बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो उसने क्या किया, आरती ने फिश बनाई बहुत, क्योंकि बहुत अच्छी है। तो उसने लोगों ने कहा कि आरती फिश बनाने में बहुत ही चालाक है। तो आर्टिफाइश को हमने आर्थिक फिश से कनेक्ट किया और आर्थिक फिश क्या करती है, बहुत अच्छा बनाती है, यानी उसको लोगों ने कहा चालाक है। नेक्स्ट है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट इसका मीन्स होता है क्लियरली या स्पष्ट। आर्टिकुलेट का मीन्स होता है क्लियरली या स्पष्ट। नेक्स्ट पे भी हम इसको आरती से ही कनेक्ट करेंगे। आरती ने कैलकुलेट करके हिसाब को स्पष्ट कर दिया, यानी आर्टिकुलेट को हमने क्या किया, आरती कैलकुलेट। आरती कैलकुलेट, आरती ने कैलकुलेट करके हिसाब स्पष्ट कर दिया, यानी आर्टिकुलेट मीन क्या हुआ, स्पष्ट। अरेन, ARRAIGN। तो यहाँ पे अरे को अलग कर लीजिए और जीएन को अलग कर लीजिए, तो अरे गन हो गया। अरे गन यानी अरे गन रखने के कारण उसको अपराधी ठहराया गया, यानी कोई एक बदमाश टाइप का या कोई एक आदमी है वो गन रखे था, तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया और उसको अपराधी बना दिया। तो लोगों ने कहा कि अरे भाई गन रखने के कारण उसको अपराधी बना दिया गया, तो इस तरह से उसको अपराधी बना दिया गया।
नेक्स्ट वर्ड है आर्किटाइप। आर्किटाइप ARCHETYPE आर्किटाइप मीन्स होता है मूल रूप या आदर्श। इसकी ट्रिक है आर्केटाइप, आर्केटाइप का आदमी आदर्श नहीं है। ठीक है, तो यानी कोई आरके नाम का कोई आदमी है, लोग उसको हमेशा कहते हैं कि आर्केटाइप का आदमी तो आदर्श नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आर्केटाइप मीन्स हो गया आदर्श। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मीन्स होता है अधिकता। एम्पलीट्यूड को आप एम्पल से भी याद कर सकते हैं, एम्पल मीन्स होता है अधिक। और इसकी दूसरी जो ट्रिक है उसको हम कह सकते हैं कि एप्पल टूट गए, एम्पलीट्यूड को हमने कह दिया एप्पल टूट, एम्पलीट्यूड को एप्पल टूट, यानी एप्पल टूट गए तो उनकी अधिकता हो गई। यानी एक टाइम था कि बहुत कम एप्पल खाने को मिलते थे, लेकिन जब पेड़ों से एप्पल टूट गए तो उनकी अधिकता हो गई। यानी एम्पलीट्यूड एप्पल टूट, एम्पलीट्यूड एप्पल टूट। ठीक है, एम्पलीट्यूड एप्पल टूट। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड को एप्पल टूट से हम कनेक्ट करेंगे और उसको सीधा अधिकता की ओर ले जाएंगे। तो एप्पल टूट गया जिससे उनकी अधिकता हो गई। नेक्स्ट है एबोमिनेबल मीन्स होता है घिनौना, एबोमिनेबल मीन्स घिनौना। ट्रिक है इसकी, अब्बा मीना से अभी भी मिलते हैं, अब्बा मीना से मिलते हैं जो कि घिनौना काम है। यानी अब्बा है, उनके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो मीना से मिलने जाते हैं, यानी उनका ये काम बहुत ही घिनौना है। अब्बा मीना से मिलते हैं जो कि घिनौना है। नेक्स्ट है डिसर्टिंग, डिसर्टिंग मीन्स होता है छोड़ना। अब देखो डिसर्टिंग को हम DESERT, ये जो होता है यही मीनिंग होती है डेजर्ट की। तो डेजर्ट में कोई रहना पसंद नहीं करता, डेजर्ट में जब कोई रहना नहीं पसंद करता तो वहां से सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, डेजर्ट एरिया को छोड़कर सभी लोग जाना चाहते हैं। तो डेजर्टिंग को हमने क्या किया, डेजर्ट को, डेजर्टिंग यानी डेजर्ट को हमने छोड़ दिया। क्या डेजर्ट को सभी लोग छोड़ देते हैं, तो डेजर्टिंग को हमने डेजर्टिंग से याद रखा। एक्सपेडिएट, एक्सपेडिएट की ट्रिक क्या है, इसकी डाइट, एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट मीन्स होता है शीघ्र। तो इसकी ट्रिक हम क्या बनाएंगे, इसकी डाइट, इसकी डाइट ज्यादा है। ठीक है, इसकी डाइट ज्यादा है इसलिए शीघ्र खाता है। यानी जिस व्यक्ति की डाइट बहुत ज्यादा होती है वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है, जल्दी से खा लेता है। तो इसलिए ये कहा जाता है एक्सपेडाइट मीन्स होता है शीघ्र। तो इसको हमने क्या कहा, इसकी डाइट ज्यादा है इसलिए ये शीघ्र खाता है। नेक्स्ट है मास्क रेड, मास्क रेड MASQUERATE मास्क रेड मीन्स होता है ढोंग, ढोंग करना। तो इसकी ट्रिक हम क्या करेंगे, मास्क रेड, अब जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना में किसी भी प्रकार का मास्क लगाया जा सकता है। एक व्यक्ति है जो रेड कलर का मास्क लगा के घूमता है तो ताकि सब लोग उसको देखें कि नहीं वो मास्क पहनता है। तो इसलिए किसी ने कहा मास्क रेड पहनकर ढोंग करते हो तुम, यानी उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने कहा मास्क रेड पहनकर ढोंग करते हो तुम, यानी तुम ढोंगी हो, ढोंग करते हो। जब मास्क ही पहने तो सिंपल मास्क पहनिए, रेड क्यों पहनते हो। तो मास्क रेड को हमने याद किया मास्क रेड से, मास्क रेड पहनकर तुम ढोंग करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 वर्ड हो गए। और आई होप ऑल ऑफ यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड, सभी को ये जो ट्रिक है आई होप समझ में आती होगी। और यदि समझ में आती है तो आप अपने ओपिनियन, अपने कमेंट हमको लिखकर बताएं, और इम्प्रूव कुछ करना हो तो वो भी आप सजेशन दें तो हम और भी इम्प्रूव करेंगे, तो जिससे कि हमको पता चले कि इसमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड गिव योर कमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट। थैंक यू।